नमस्कार दोस्तों, SSC मैथ कोचिंग में आपका स्वागत है, जहां हम आपको अनुपात और समानुपात के बारे में बताएंगे 100 ट्रिक्स। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिएगा तथा आपको अंत में एक क्वेश्चन बनाने दिया जाएगा जिसमें आपको 10 रुपया कैश मिलेगा। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन की ओर। ये रहा क्वेश्चन दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि दो संख्याओं में 7:9 का अनुपात है। दो संख्या में प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ देते हैं तो उसमें 4:5 का अनुपात हो जाता है। तो पूछ रहे हैं दोस्तों कि बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए दोस्तों, इस तरह से आप भी निकाल सकते हैं। बड़ी संख्या निकालने के लिए इसका अनुपात हटाएंगे तो कहेंगे 7x/9x। अब इसमें कितना जोड़ना है दोस्तों, तो प्रत्येक में 5 जोड़ दिए, 5 जोड़ दिए तो अनुपात कितना हो जाता है दोस्तों, 4:5 हो जाता है। तो इसको मल्टीप्लाई इधर 7×5, सबको इधर से करेंगे दोस्तों, तो 7×5 35, x+25। अब इसको इधर से गुना करेंगे दोस्तों तो 9×36, x 9×36 x, 5×20। तो ये दोस्तों ये इधर जाएगा तो 25 में 20 जाएगा, 25 में 20 जाएगा तो 5 बचेगा, और 36 में 35 x जाएगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। 36x में 35x जाएगा तो कितना बचेगा, 1x। तो आ रहा है दोस्तों कि x बराबर कितना, 5। तो x = 5। तो कह रहा है कि आपसे बड़ी संख्या का अनुपात, तो अनुपात ये पहली संख्या है जो बड़ी संख्या, सॉरी छोटी संख्या है, और ये बड़ी संख्या, तो बड़ी, तो इसमें 9x, तो 9×5, 9×5 कितना आ जाएगा दोस्तों, 45। ये बड़ी संख्या है। अब 100 ट्रिक से करते दोस्तों। 100 ट्रिक से दिया है दोस्तों कितना, 7:9, और जब इसमें क्या किया गया दोस्तों, तो 5 जोड़ा है, तो 5 जोड़ा है तो उसमें कितना प्राप्त हो गया, 4:5 प्राप्त हुआ। तो 4:5 किए। अब ये देखिए दोस्तों, अंदर अंदर का मल्टीप्लाई करें तो 9×36, और ये बाहर बाहर का मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाएगा, 7×5 35। अब दोनों का अंतर कितना है दोस्तों, तो दोनों का अंतर 1 है। अब कितना जोड़ा गया है, तो 5 जोड़ा गया दोस्तों, तो यही क्या आएगा, 5। अब हमको क्या निकालना है दोस्तों, तो बड़ी संख्या, बड़ी संख्या निकालना है तो 9 गुना कर देंगे कितना आ जाएगा, 9×5 45। आराम तरीका है दोस्तों। और आपसे ये भी पूछेगा कि दोनों में एक संख्या होगी, तो दोनों में एक संख्या क्या होगी दोस्तों, तो 5 होगा। कैसे कहेंगे दोस्तों, तो छोटी संख्या निकालना है तो 7×5 / 9×5। तो दोनों में क्या एक संख्या, एक संख्या 5 है, तो कहेंगे कि पूछेगा आपसे क्या कि दोनों में एक संख्या होगी, तो दोनों में एक संख्या क्या है दोस्तों, 5 है। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है दोस्तों, ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करें। चलते हैं क्वेश्चन दूसरा की ओर। देख रहे होंगे आप दोस्तों, तो क्वेश्चन 2 में कह रहा कि दो संख्या में 2:3 है दोस्तों। प्रत्येक में 5 घटाया जाए तो उनमें 3:5 का अनुपात हो जाता है दोस्तों। तो कह रहा कि छोटी राशि क्या हो गई, या छोटी संख्या क्या होगा। तो उसी तरह से दोस्तों पहले लॉन्ग तरीका से करके आपको दिखाते हैं। तो ये अनुपात से हटाएं तो कहें 2x, इसको भी अनुपात से हटाएं तो 3x लिख दें दोस्तों। अब उसमें क्या किया गया, 5 घटाया गया तो 5 घटाएंगे तो कितना प्राप्त हो जाता है दोस्तों, 3:5, उसको लिख सकते 3/5 लिखें। अब सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो कहेंगे 5×2 = 10x + 25। अब इसको इस साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो 3×3 = 9x + 5×3 = 15। अब देखें दोस्तों, इसको इस साइड ले जाते हैं तो 10x में 9x जाएगा तो x बचेगा, और माइनस ये 15 है, ये माइनस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा कितना, 25। तो x = कितना, 10। अब पूछेगा ये भी दोस्तों कि आपको कि दोनों में एक संख्या होगा, तो दोनों में एक संख्या क्या है दोस्तों, तो दोनों में एक संख्या 1 है, तो x = कितना है, तो 10 कहेंगे। दोनों में एक संख्या क्या होगा, 10। अब आपसे पूछेगा कि छोटी राशि क्या होगा, तो छोटी राशि निकालने के लिए छोटी संख्या लेंगे, ये 2x छोटी राशि है, तो
दुगुने 10 कर देंगे, कितना आएगा 20, ये छोटी संख्या है। अब 100 ट्रिक के से चलते हैं दोस्तों, तो 2:5 है, सॉरी 3 है, और इसमें कितना घटाएगा दोस्तों, 5 घटाया गया है, ठीक, तो उसमें कितना अनुपात प्राप्त हो जाता है, तो उसमें 3:5 प्राप्त हो जाता है, तो 3:5 प्राप्त होता है। तो अब उसी तरह से दोस्तों अंदर अंदर का मल्टीप्लाई कर देंगे और बाहर बाहर का मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 × 10 अंदर अंदर का 9, तो दोनों का अंतर दोस्तों, तो दोनों का अंतर क्या होगा 1, और दोनों का यहाँ पर भी अंतर कितना है 5। अब पूछेगा दोस्तों कि आपसे छोटी राशि, छोटी राशि के लिए क्या कर देना, सिर्फ 2 मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 × 10 यही हमारा छोटी राशि। अब बड़ी राशि पूछेगा तो 3 कर देंगे, 5/1 में 3, तो कितना 15। एक क्वेश्चन आपके लिए है दोस्तों, यदि आप इसका जवाब 1 घंटा में देते हैं दोस्तों, तो आपको 100 रुपया कैश मिलेगा आपको पेटीएम के द्वारा। क्वेश्चन है दोस्तों कि 2 संख्याओं का अनुपात 5:9 है, तो प्रत्येक संख्या में 9 जोड़ने पर उसका अनुपात 16:27 हो जाता है, तो दोनों में एक संख्या होगी, कौन होगा, ऑप्शन नंबर सब दे दिया, ऑप्शन ए बी सी डी सब दे दिया दोस्तों, जल्द इसका जवाब दे कमेंट करके दोस्तों, और कमेंट में अपना नंबर दे जो पेटीएम के द्वारा या भीम यूपीआई के द्वारा भी मिल सकता है। थैंक यू दोस्तों।